हेलो गाइस, मैं रंजन आपके अपने चैनल ऑल न्यू कबूतर टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत करता हूँ। सो गाइस, तो जो आज की वीडियो होने वाली है, काफ़ी भाइयों के मन में ये डाउट होता भी है जो भाई ने कमेंट करा है। सो गाइस, पहले मुझे भी बहुत ज़्यादा था डाउट जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। बाकी अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता इस वीडियो में, बाकी भाई मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इन भाई ने ये कमेंट करा था कि भाई क्या हम कबूतर को चावल खिला सकते हैं या नहीं खिला सकते, वही बाजरे के साथ, मतलब बाजरे और चावल मिक्स करके खिला सकते हैं नहीं खिला सकते, जो भाई तुम्हारे भाई को पता है मैं वो बताऊंगा, ठीक है। और भाइयों की तरह मैं नहीं जानता कि किसी ने यूट्यूब पर क्या बता रखा क्या नहीं, वो मुझे कुछ नहीं पता। बाकी जो भाई मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो जब तक आप वीडियो में एंड तक बने रहना, जो भी होने वाला भाई आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो जब तक के लिए ठीक है, वीडियो कंटिन्यू करता हूँ मैं, वीडियो एंड तक देखते रहना, चैनल मेरा सब्सक्राइब करना जिसने नहीं करा भाई ने, बाकी वीडियो लाइक करना, ठीक है भाई। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं सामने अपने कबूतर भी खुले हुए हैं और हो चुका है शाम, बिल्कुल सूरज ढल चुका है। देन तो हम वीडियो बना रहे हैं, बाकी काफ़ी देखो कोने में दाना डाल दिया, बाकी सारे कबूतर कोने में ही चले गए। अब देखो फिर हमारे पास आ जाओ। अब देखो कोने में जाओ। तो गाइस इनके साथ यार टाइम स्पेंड करने में बहुत मज़ा आता है, जैसे कि आप लोगों को पता है बहुत अच्छे लगते हैं यार कबूतर। बाकी हम अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। तो भाई इसमें मैं बताने वाला हूँ कि हम कबूतरों को चावल खिला सकते हैं नहीं खिला सकते। सो गाइस, पहले मैं अपने डाउट बताता हूँ कि मेरे मन में क्या डाउट रहता था पहले या नहीं रहता था, जो भी था मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो गाइस पहले मैं पता क्या सोचता था, एक भाई ने बताया था, पता नहीं यार गलत या झूठ, बहुत दिन पहले की बात है, 3-4 साल पहले की बात है, कि कबूतर को चावल खिलाने से लकवा होता है। सो गाइस मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था तब, मैं इसका कबूतर भाई मेरे पास तो 6-7 थे, तो वो भी भाई मैंने नहीं रखे थे, जिसने रखे थे ना शायद उसी ने बताए थे और जिसके थे, और शायद जब मैंने रख रखे थे तब भी मैं अपने कबूतर को चावल नहीं खिलाता था किसी भी हालत में, क्योंकि भाई ये होता था कि भाई मुझे भाई मेरे मन में वहम डाल दिया गया था कि कबूतर लकवे में आ जाता है। बट ऐसा कुछ नहीं होता भाई, आप अपने कबूतरों को बेहिसाब जितना चावल खिला सको खिलाओ। आप भाई कभी अपने कबूतर खिला के देखा, मेरा एक दोस्त है भाई, वो तो भाई अपने कबूतरों को सब्जी पबजी सब खिला रहा था, दाल पाल सब जितने बचते ना सब खा रहे थे उसके कबूतर। तो रियल में कबूतर होने चाहिए उन भाई की तरह। बाकी कभी आप अपने कबूतरों को ना भाई, जो चावल नहीं होते बने हुए चावल हो जाते, जो ऐसे हम चावल बनाते हैं आलू मटर डाल के खिचड़ी बोल लो भाई, आप जो भी बोलना है भाई बोल लो, ठीक है। तो आप जो बनाते हो ना भाई, उनको खिला के देखना कभी कबूतरों को, बड़े चाव से खाते हैं भाई, मेरे कबूतर भी खाते हैं और मेरे दोस्त के भी खाते हैं। काफ़ी भाई कबूतर ऐसे भी होते हैं कि भाई वो तो चने ही नहीं खाते, काले चने नहीं खाते, किसी के कबूतर भाई मक्का नहीं खाते, तो भाई वो उनको आदत नहीं होती है। भाई आप अपने कबूतर को शुरू से ही हर चीज़ डालोगे ना, तो आपको आपके कबूतर को ना भाई उस चीज़ की आदत पड़ जाएगी बाकी, ठीक है। काफ़ी भाइयों के छत्ते में जाता हूँ तो भाई उनके कबूतर काले चने नहीं खाते, या किसी भाई के ना गेहूँ नहीं खाते, रियल बता रहा हूँ भाई, रियलिटी है ये, आप लोगों को ही पता होगा, ठीक है। तो भाई तो आप, मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ, दोबारा टॉपिक पर ही थे हम, बाकी जो हमारा टॉपिक ये चल रहा था कि भाई कबूतर को हम चावल खिला सकते हैं नहीं खिला सकते, तो भाई बाकी उनको हम अपने कबूतर को बेझिझक चावल खिला सकते हैं, आप उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई ने ये कहा था कि क्या मैं बाजरे के साथ कबूतर को अपना दाना खिला सकता हूँ। तो भाई जो मेरा भाई मैं बताना चाहता हूँ भाई, शायद मेरे हिसाब से ये रहा मेरा बाजरा, बिल्कुल थोड़ा सा बचा दाना, क्योंकि इनका दाना ख़त्म ही होने वाला है, पूरा फुल कर रखा है बाकी, और कल छुट्टी भी है तो कल खोलना है। मेरी छुट्टी नहीं भाई, मेरे भाइयों की छुट्टी है तो वो खोलेंगे, ठीक है। तो भाई आज छुट्टी थी मेरी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बाकी जो कल अपलोड हुई थी वीडियोस में काफ़ी आप लोगों ने प्यार दिया, जैसे कि मैंने लैपटॉप की अपनी वीडियो बनाई थी, क्योंकि भाई मैं नया लैपटॉप लाया था, अपने इन्हीं बेचारे परिंदों की वजह से मेरा लैपटॉप आया है, क्योंकि मैं इनकी ही वीडियो बनाता हूँ जैसे अभी मैं बना रहा हूँ। तो गाइज इससे भाई हमारे यूट्यूब की तरफ से पेमेंट आई थी। अब काफ़ी भाइयों के मन में डाउट हो गया यार, इस बंदे की तो पेमेंट आ रही है, तो भाई ऐसा नहीं है भाई, काफ़ी मेहनत करी थी, पहले मुझे पता भी नहीं था इस सब चीज़ों के बारे में कि भाई कबूतरों के मतलब कबूतर क्या किसी भाई यूट्यूब पर पेमेंट भी आती है। भाई मैंने तो अपने शौक के लिए बनाया था कि भाई तुम्हारे भाई मतलब टिप्स बताता था कि सोचता था किसी का भला हो जाए, बट मुझे आगे पता चला कि भाई इससे हम पैसा भी कमा सकते हैं यूट्यूब पर। तो भाई तुम्हारे भाई ने भी वो सब कर डाला, तो भाई तुम्हारे भाई की दूसरी पेमेंट आ चुकी थी, तो दूसरी पेमेंट में मैंने ये लैपटॉप लिया है। तो आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया उस वीडियो पे, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू। बाकी हम फिर दोबारा अपने टॉपिक से भटक गए थे, तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। तो भाई अपने कबूतर को तुम चावल दबा के खिलाना जितना खिला सको, पर इतना भी भाई मत खिलाना पता चले तुम भाई बाजरा नहीं खिला रहे, चावल ही चावल खिला जा रहे, तो भाई इसका मैं गारंटी नहीं ले सकता। बाकी भाई जितना मुझे पता था कि भाई, मैं एक वहम बता रहा था कि भाई काफ़ी बंदे ये भी सोचते हो, क्या पता उनके भाई ये भी अफवाह फैली हो कि लकवे में कबूतर आता है, बट भाई कबूतर लकवे में नहीं आता है, शायद क्या नहीं आता है, क्योंकि काफ़ी भाई खिलाते हैं बने हुए चावल, जब खिला देते हैं तो उसका क्या बात है, ठीक है। तो आप भाई कबूतरों को चावल खिलाएं, अगर हाँ आपके पास जैसे कि मैंने खिलाया था जब मैं कबूतर पकड़ रहा था कि मेरे पास दाना खत्म हो गया था, तो आपको चावल ले आए
ये नहीं कबूतर पकड़ते समय चावल लाए भाई, मैं तो आपको बता रहा हूँ, अगर आपका दाना खत्म हो गया है थोड़ा या फिर थोड़ा कम पड़ गया है तो चावल डाल देना आप अपना आराम से, ठीक है। बाकी भाई पूरे एनी टाइम 24 घंटे चावल मत खिलाना मेरे हिसाब से। बाकी भाई ने ये बोला था कि बाजरे में और चावल मिक्स करके दे सकते हैं, नहीं दे सकते तो भाई दे देना, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर भाई बाजरे की जो क्वांटिटी है ना, जो मतलब बाजरा आपका, वो थोड़ा ज़्यादा रखना, चावल जो आपका थोड़ा कम रखना, जैसे कि भाई कुछ हो ना कबूतरों को। बाकी भाई होगा कुछ नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बस भाई अफवाह फैली थी तो भाई मेरे मन में भी डाउट रहता था पहले, काफ़ी भाई के मन में डाउट होता भी होगा भाई, काफ़ी भाई खिलाते भी हैं यार, क्या बोलूँ भाई, वीडियो इतनी लंबी बन जाएगी ना। तो जो हमारा टॉपिक था हम यहीं पे ख़त्म करते हैं कि भाई कबूतरों को हम चावल खिला सकते हैं या नहीं। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप चावल बेझिझक खिला सकते हो बस, ठीक है, बस थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा रखना बाजरे की, चावल थोड़ा कम ही खिलाना भाई, क्योंकि भाई क्या पता भी हो भी जाए भाई, कुछ बीमारी हो जाए उनको भाई। इसके बारे में भाई मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, जितना मुझे पता था भाई मैंने बताया, अब मुझे पता है कि इस वीडियो में कमेंट्स आने वाले हैं काफ़ी दबा के अच्छे अच्छे, और कुछ बुरे भी आएंगे। तो भाई जब तक के लिए बाय, ठीक है, मिलते रहेंगे, ऐसी रोमांचक वीडियो आपके सामने आती रहेंगी, तो जब तक के लिए ठीक है भाई, वीडियो यहीं पोस्ट करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, और तुम अपने कबूतर को चावल खिलाते रहना, ठीक है भाई, बस थोड़ी ऐसी फन होती रहेगी और वीडियो बनती रहेगी। तो जब तक के लिए बाय, ठीक है भाई।